नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना हुआ था 1977 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी 28 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? 1975 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी सही है। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? बीपी सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो जॉर्ज फाउंडिंस, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु यानी वोट देने की आयु क्या है? 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई 1991 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ 1962 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो पंचशील समझौता किन दो देश के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच, ऑप्शन नंबर बी सही है। AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी सही है। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सोवियत संघ, सोवियत संघ। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर ए सही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां अवस्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां अवस्थित है? हैंग, ऑप्शन नंबर डी सही है। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 1956 से 1961, ऑप्शन नंबर बी सही है। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1969 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, ऑप्शन नंबर बी सही है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावादी नहीं है, पर्यावरणीयवादी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अरविंद केजरीवाल,
बाकी ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है तीनों। एमनेस्टिक इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से, ऑप्शन नंबर बी सही है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी सही है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी सही है। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1951 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब किया था गांधी जी ने? 1930 में। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही है। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? यानी शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में तस्कर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अबू खान। अमेरिका का के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 11 सितंबर 2001 को, ऑप्शन नंबर बी सही है। जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इंदिरा गांधी से, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? बहुदलीय, ऑप्शन नंबर सी सही है। दशक सार्क की स्थापना कब हुई थी? दशक सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, तो ऑप्शन नंबर बी अलगावाद, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी सही है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारत के लौह यानी कि भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को, ऑप्शन नंबर ए सही है।